80-85 वर्ष की उनकी अवस्था रही होगी। इस अवस्था में उनके ऊपर झूठा दोषारोपण लगाया गया, जो ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते हैं, जो स्वयं कथावाचक थे, जो भगवान कथा कर रहे हैं, धर्म को प्रचार कर रहे हैं, वो गलत काम कैसे कर सकता है। इसलिए इसमें उनको झूठा फंसाया जा रहा है। तो हमारे सभी संतों को एकजुट होकर के, चित्रकूट है, प्रयाग है, अयोध्या है, काशी है, वृंदावन है, सभी संत समाज सब एकजुट होकर के आवाज़ उठावें, इसमें शासन प्रशासन ऑटोमेटिक सब जुट जाएगा और किसी को बिना साक्ष्य बिना प्रमाण फंसाना नहीं चाहिए, जो कि आसाराम बाबू जी की अवस्था काफ़ी वृद्धावस्था थी, उनको झूठा फंसाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सब संत चित्रकूट के एवं प्रयाग के सब एकजुट होकर के हम लोग सब इसमें आवाज़ उठाएंगे, समाज को इसमें सब एकजुट होकर के समाज को आवाज़ उठानी चाहिए, जो ये काम हो रहा है गलत है। तो इस प्रकार समाज सभी होकर के आवाज़ उठाएगी, ऑटोमेटिक पूरा काम सब हो जाएगा।